कि जैसे वो आपको पता है सिकंदरगोट में गटर लाइन का मसला चल रहा था, क्योंकि कल ईद का दिन है तो मस्जिद में नमाजियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो हमने साकिब भाई को बोला कि ये गटर लाइन का मसला है थोड़ा, तो साकिब भाई ने ये गाड़ियाँ मंगवाई है और ये गटर लाइन साफ़ करवा रहे हैं, क्योंकि कल ईद का दिन है, इस वजह से साकिब भाई इधर लगे हुए हैं कि लोग नमाज़ पढ़ सकें और अपने जानवर गलियों में आराम से काट सकें, कोई परेशानी नहीं हो, गंदगी नहीं हो। तो इंशाल्लाह कल ईद के दिन भी इंशाल्लाह गाड़ियां लगेंगी, काम करेंगी। और साकिब भाई का बहुत शुक्रिया कि पहले हम लोग कहीं दूर जाते थे और परेशान होते थे, अभी साकिब भाई को फ़ोन करते हैं, फौरन आ जाते हैं और इलाके में काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसा ही बंदा चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम कर रहे हैं साकिब भाई, और ये हमारे चाचा सरकार का काम करवा रहा है वो ज़िंदगी में कभी पहले नहीं हुआ था, और अभी माशाल्लाह लोग इतने खुश हैं और कोई हसाब नहीं है, और इंशाल्लाह हम लोग भी उसके ऊपर इतना खुश हैं। और कोई मतलब जो वो काम करवा रहा है बहुत अच्छा करवा रहा है, ये बोर्ड के लिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करवा रहा है। साकिब भाई बच्चा है हमारा, हम इनके मुसलमान हैं, हम इनके साथ हैं, और हमारे कहने के मुताबिक जो भी है बच्चा बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं साकिब भाई। देखो ईद को एक दिन बाकी है, आज माशाल्लाह हमारा जो है सेवरे लैंड बंद हुए, महीना हो गया तकरीबन, इन्होंने जो है ना अभी बंदोबस्त किया, गाड़ियाँ भी आ गई है और खुद भी खड़े हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है। हम भी दुआ करते हैं इस पार्टी को अल्लाह तरक्की दे और इसको कामयाब करे, जो है एनी टाइम पे हमारे काम आती है। साकिब भाई करा रहे हैं, इलाके के हमारे ये अपना वाइस चेयरमैन है और चेयरमैन, दोनों दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम इनसे बड़े खुश हैं इलाके वाले, और हर टाइम हमारा तकरीबन पूरे इलाके का दौरा भी करते रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह इनको माशाल्लाह भलाई काम हो रहा है, और साकिब भाई ने हमारी, हम गए इनके पास, इन्होंने बोला भाई बिल्कुल करेंगे, और ये तकरीबन जो भी छोटे बड़े काम होते हैं इनको बुलाते हैं, ये आते हैं अक्सर हमारे पास, इनकी मेहरबानी है, अल्लाह इनको तरक्की दे। हमारे साकिब भाई हैं पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है, और मेरा ख्याल है आज तक जो 50 साल इस गोट में कुछ भी नहीं हो सका था, अल्लाह की मेहरबानी है और साकिब की और साकिब की पार्टी की मेहरबानी है। तो माशाल्लाह पहले गोट में पेवर भी लगे, रोड कारपेट भी बने, TMT भी लगी, बहुत सारी हुई। अभी गोट का तकरीबन सिविर का बहुत बुरा हाल था, और साकिब भाई का तमाम गोट वाले हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप सामने देख रहे हैं तमाम तकरीबन गाड़ियाँ आई हुई हैं, तो सिविल लाइन को वो क्लियर कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। तो बरल जी हमारी ये दुआ है कि साकिब भाई को अल्लाह ताला इनकी और इनकी पार्टी को कामयाब भाई। सिकंदरगोट में सिविल लाइन का बड़ा मसला ख़राब हो रहा था, साकिब भाई बड़ी जी जो जैसे मेहनत कर रहे हैं, गाड़ियाँ लाए और इंशाल्लाह करीब पानी चलना शुरू हो जाएगा। सिकंदरगोट वालों के लिए बड़ी मुबारक है कि ईद के दिन, आज ईद का दिन है समझो कि ईद के दिन भी वो नहीं सो रहा है, ना रात को सोया है ना अब सो रहा है, खड़ा होकर काम करा रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसकी उम्र में भी बरकत करे और इसके कारोबार में भी बरकत करे, और मेरा मालिक जो है गांव वालों को मुतहद रखे कि वो देखे कौन आदमी हमारे लिए अच्छाई लाया है और कौन आदमी हमारे लिए ये जो बुराई कर रहा है। इंशाल्लाह अन करीब पानी भी आएगा, पानी इंशाल्लाह लाइन लगने वाली है ईद के बाद, अल्लाह ताला कर्म करे इंशाल्लाह और सहूलतें आएंगी, गलियां भी बनेंगी और गटर लाइन भी साफ होगी और इंशाल्लाह पानी भी लगेगा। मेरा रब्बुल इज्जत जो है ये हमारे लिए एक तोहफे भेज रहा है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करेगा। जैसे साकिब की मेहनत है इसका हमें सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर रात दिन मेहनत कर रहा है गाँव के लिए।